हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में जब भी आप अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं आपको इस तरह का मैसेज एरर मिल रहा है, गूगल प्ले स्टोर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, डू यू वॉन्ट टू क्लोज इट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कैसे फिक्स करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी फ़ोन सेटिंग्स में जाइए। फ़ोन सेटिंग्स में जाने के बाद जस्ट ऐप्स में जाइए। ऐप्स में जाने के बाद जस्ट ऑल ऐप्स में जाइए। ऑल ऐप्स में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए गूगल प्ले स्टोर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर। तो जस्ट उसके ऊपर टैप कीजिए। टैप करने के बाद जस्ट क्लियर कैचेस और क्लियर डाटा, ये ध्यान रखिए क्लियर डाटा से क्लिक करने से, के ऊपर क्लिक करने से आपका डाटा चला जाएगा। तो आप अपनी ओल्ड स्पीक कीजिए, जस्ट क्लियर डाटा पे भी क्लिक कीजिए। क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद जस्ट बैग आइए। बैग आने के बाद जस्ट गूगल प्ले सर्विसेज फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्ले सर्विस, तो जस्ट उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको सेम थिंग करना होगा, क्लियर कैचेस और क्लियर डाटा दोनों भी क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद लास्ट आपका जो है गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क, तो जस्ट इसका भी यहाँ पे आपको सेम थिंग करना होगा, क्लियर कैचेस और क्लियर डाटा। क्लिक करने के बाद जस्ट आप बैग आइए। बैग आने के बाद जस्ट आप अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद मैं भी यहाँ पे देखूँगा, मेरा गूगल प्ले स्टोर नॉर्मली वर्क कर रहा है नहीं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर अभी जो है नॉर्मली वर्क कर रहा है, ये देखिए कोई एरर नहीं मिल रहा है। अब इनकेस अगर आपको फिर भी अगर एरर देखने को मिल रहा है तो फाइनल स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो जस्ट आप अपनी फ़ोन सेटिंग्स में जाइए। फ़ोन सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स में जाइए। ऐप्स में जाने के बाद फाइनली आपके गूगल प्ले स्टोर के सारे अपडेट्स जो है आपको अनइंस्टॉल करना होगा। तो जस्ट गूगल प्ले स्टोर फाइंड आउट कीजिए, जैसे कि हम अभी देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट करने के बाद जस्ट अनइंस्टॉल अपडेट, तो अब तक के जितने भी आपने गूगल प्ले स्टोर के अपडेट्स किए थे वो सारे अपडेट्स जो है अनइंस्टॉल हो जाएंगे। तो फाइनली इसका एक ही सलूशन है। तो फिर से आप अपना गूगल क्रोम ये गूगल प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो फिर से अगर ईमेल आईडी वो एंटर करने के बाद आप अपना गूगल प्ले स्टोर फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से अगर आपको अपने गूगल प्ले स्टोर का अगर आपको लेटेस्ट वर्सन चाहिए तो जस्ट आप गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे टाइप कीजिए www.apkmirror.com। जैसे कि आप पे देख सकते हैं www.apkmirror.com। तो जस्ट ये साइट पे जाइए। साइट पे जाने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने को एपी की फाइल जो है वो डाउनलोड करने को मिलेगी। तो जस्ट यहाँ पे सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर। तो जस्ट यहाँ पे सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर। तो यहाँ से आपको इजीली आपके गूगल प्ले स्टोर का लेटेस्ट एपीके वर्जन जो है वो डाउनलोड करने को मिलेगा। तो जस्ट यहाँ पे आप सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर। सर्च करने के बाद जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लोड हो रहा है, तो थोड़ी देर वेट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर का लेटेस्ट वर्जन। तो जस्ट अगर आपको डाउनलोड करना है तो जस्ट डाउनलोड के आइकन पे क्लिक कीजिए। ये सिर्फ एक ही पे एपीके फाइल है, तो जस्ट आप इसको बाद में इंस्टॉल करना होगा। तो एक सिंपल इजी और इजी स्टेप्स थे आपके गूगल प्ले स्टोर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर को फिक्स करने के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया। तो प्लीज़
लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के डेली इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इसी तरह के वीडियोज हमने लिए आपके लिए लेकर आते रहते हैं हिंदी में बिल्कुल भी फ्री, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डॉट्स हैं आप अपने सारे डॉट्स हमें क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।